झाड़ग्राम लोकसभा केंद्र एमपी गोमे कुनार हेम्रम पंडित रघुनाथपुर मुठन बहा मालय चालेदा इना तम डॉक्टर सुबोध हंसदा गोमे पंडित रघुनाथपुर मुठन बहा मालय चालेदा इना तम घाटशिला एक्स एम एल ए लक्षण टुडू गोमे बहा मालय चालेदा रूपचाँद मुर्मू गोमे एक्स एम एल ए पंडित रघुनाथपुर मुठन बहा मालय एवेदा एक्स एम पी झाड़ग्राम रूपचाँद मुर्मू एक्स एम पी झाड़ग्राम गोमे नियम शंभुनाथ मांडी गोमे एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल पंडित रघुनाथ मुर्मू मुठन बहा मालय एवेदा इना तम प्रेसिडेंट गोमे मदन मोहन बास्के पंडित रघुनाथ मुर्मू मुठन बहा मालय माय साथ हफना किस्कू गोमे साथ सुशांत हंसदा गोमे सलाम को पंडित रघुनाथ मुर्मू मुठन बहा मालय को छोटा सा लिखे आप भी पंडित रघुनाथ मुर्मू का प्रतिकृत में माल्यदान करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब जहाँ मारा पेड़ा मनोतान अर्जुन मुंडा साहेब उन्हें सहाये तबना अब झाड़ग्राम एम पी मनोतान कुनार हेम्रम आज के थे 20 বছর আগে এই দেশের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী নেতৃত্বে যে ফয়সলাটা হলো যে অলচিকি ভাষা সংবিধানের আটবি অনুসূচিতে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট দ্বারা সামিল হয় সে উপলক্ষে আজকে ২১ বছর হওয়ার ফলে এইখানে আয়োজিত এসেকার তরফ থেকে আদিবাসী সোশিও কালচারাল সোশিও এডুকেশনাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল তরফ থেকে আয়োজিত এই কার্যক্রমে আমাদের ঝাড়গ্রাম পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির এমপি শ্রীযুক্ত কুনার হেম্রম আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন যিনার ব্যাপারে আপনারা শুনলেন এক্স মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শম্ভুনাথ মান্ডিজি ঝাড়গ্রাম থেকে যিনি কয়েকবার এমপি ছিলেন শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মুর্মু সাহেব আমাদের ঘাটশিলার থেকে এমএলএ ছিলেন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ টুডু আমাদের এসেকা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট মদন মোহন বাস্কে থেকেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এসেকা গুরুপদ হাঁসদা জেনারেল সেক্রেটারি এসেকা ডক্টর সুবোধ হাঁসদা
चेयरमैन एसएका वेस्ट बेंगल सुधीर सोरेन, एसएका वेस्ट बेंगल मेंबर सुशांत हांसदा एवं साथे अनेके मंचेओ आछेन आर मंचेर आगेओ आपनारा सबाई एइखाने उपस्थित आछेन। भाई एवं बंधुगण, मा एवं बोनेरा, एवं जखन आमी एइखाने पौंछालाम अनेक आमादेर भाई एवं बोनेरा खूब भालोभावे निजेर शिल्पी द्वारा, नृत्य द्वारा गाजा बाजा निये स्वागत करलें सेइ रकम सबाई शिल्पी एवं एसएकार समस्त कर्मीगण, भाई एवं बंधुगण। 22 तारीख पर्यंत पार्लामेंट होवार कथा छिलो एवं आमार साथे जखन रात्रिते देखा हय एखानेर मेम्बर अफ पार्लामेंट कुनार बाबुर साथे एवं आमादेर एसएका जेनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुबोध हांसदा महाशय साथे, तो आमि एकटु माने फुल कॉन्फिडेंस हुए ना, किन्तु आमि बोललाम जे आमि आसार चेष्टा करब केन 22 पर्यन्त आमादेर पार्लामेंट चलेछे, किन्तु आमार आशा आछे, आमार विश्वास आछे, आमार एमन मने होच्छे आमि निश्चय पहुँचाबो। এবং আমি যেহেতু এখন বর্তমানে যে দেশের জনজাতীয় সমাজ, আদিবাসী সমাজ সাথে সাথে মানে দেশের 700 থেকে বেশি ট্রাইবাল ग्रुप आछे, समुदाय आछे, तार मध्ये एकटा कार्यकर दायित्व मंत्री हिसाबे माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे आमि करछि। तार साथे साथे गतकाल कत किछु दिन आगे प्रधानमंत्री बोललेन जे एई देशेर चाषा कृषक समाजेर जन्य तोमाके काज करते हबे, से हिसाब से कृषि मंत्री दायित्व आई दायित्व नहीं पार्लामेंटे अनेकगुलो एरकम काज आछे जे काज छाड़ा अभी को जगह से बेरोते पारबो एरकम आशा छिलो, किन्तु आमार सौभाग्य जे अभी आज के এটা ঐতিহাসিক দিনের হিসাবে আপনাদের কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। আমি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক অশেষ অভিনন্দন করছি এবং নমস্কার করছি এবং জোহার করছি। বয়ার মিশে রাখবে নবদিসমরে মানতান প্রধানমন্ত্রী, তত্ত্বকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তিন লেখা লিডার কিন তাহে কাম আনি তো জাহান লেখা কিন মেন কে না যে সমাজ পাহাটা কোন এসে কা পাহাটা কোন পলিটিক্যাল লিডার হিসাবে সমাজ রেন দরদি হিসাবে অটল বিহারী বাজপেয়ী সেলা জ্ঞাপন গাতে যে আলে আড়া নয়া ভাষা নয়া পার্সি এই সিডুল রে মান্যতা দরকার আলে যেমন লে নিয়ামা নিয়ামা ওনা
कथा किन दोहो के आ मानवतान दिशों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे के तहें ऑल चिकी लिपि हिसाब से आवो तला रे तहें बनो कि ना बोगा ना के पंडित रघुनाथ मुर्मू थे के अकीना कुरु मुटो ते ओल चिकी लिपि दिया रहे उनकी कथा लता रहे अली जोहार बा बहा और अली ना हृदय मैंने शब्द बोलू आना लगी नित जो शब्द में डिक्शनरी तो मानवान अटल बिहारी वाजपेयी कोई अब आइडेंटिटी लगे अब पर्सी हिसाब से मान्यता पेम के और लिपि हिसाब से आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू थे अकीना योगदान दो अब बाबो हिड़ी दारे आकोय समाज कोय सावता जदि ऐतिहासिक कथा हिड़ी कते चेतान से चलावे न्यामा उन्हें दो बाय चलाव दारे कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब इतिहास को स्मरण करते भविष्य का रास्ता बनाने के तरफ आगे बढ़ता है। मैं यहां पर आया हूं आपसे संवाद करने के लिए, यह बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए भी आया हूं। हमें और बहुत काम करना है। देश में 700 से अधिक आदिवासी जनजाति समुदाय है और उसमें से भी हमको आज नृत्य गीत संगीत अपने बहुत सारी बातों को समझ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में भी हमारे बीच के ही हमारे लोग ही हमारे पूर्वज हमको रास्ता दिखा दिया, कुछ पूर्वज वहीं खड़े रह गए। वैसे लोग जिसको आज देश में आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं, इस मंत्रालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम तो कुछ आगे बढ़ चुके हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पीछे इंतजार में खड़ा है उन्हें भी साथ में लेके चलना है, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़े। और वो कौन है? वो हमारा भाई है, हमारा परिवार है, जिसका चिन्हितीकरण हमसे पीछे है ऐसे हमने किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं तो पीर गोर कनाय, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, अरे नहीं तो वीर होर कहना है, अरे वीर होर मतलब क्या? अब हम पुरु रेन को गए, अब हम वीर होर गए, हम लोग भी वही है, लेकिन वो हमसे पीछे है और वो अपने जगह में खड़ा है, उसको भी साथ में लेकर चलना है। और इसलिए अभी भगवान बिरसा मुंडा के धरती से उनके लिए स्पेशली 75 ग्रुप है, 700 में से 24,000 करोड़ का योजना आपका भाई आदिवासी मंत्रालय के तरफ से प्रारंभ किया गया कि उनको आगे लेके आना है। वो वेस्ट बंगाल में भी होगा है कि नहीं, ये बोली झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अलग अलग नाम से है। जैसे संथाल परगना के क्षेत्र में
झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हमारे संथाली समाज के साथ ही पहाड़िया के रूप में है। माल पहाड़िया के रूप में है, इधर गुमला के तरफ असुर के रूप में है, यहां बंगाल के कुछ क्षेत्र में बिरहोर है, उस साइड में परैया है, और उसी तरीके से आदिवासी में से अंडमान निकोबार में हमारे लोग हैं। देश के समस्त लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो पीछे में बैठे हैं, पीछे में खड़े हैं, उन लोगों को लेके चलना है। और इस बात के लिए भी कि हम सबका भाषा का संरक्षण होना है। जारवा के बीच में हम गए अंडमान निकोबार में, उनके साथ हम बैठे, नितों पद्यों तो उनको तो लुगड़ी मैंने लुगड़ी तो बको हो रहा तो काट को कहे को जामा उनका हिसाब में बना को बुरु भीतर ले आरो अमेरिकन बना को उनको हो जेवो सावता समाज हिसाब से चेतन से लहा से को हिजुक मा उना दायित्व तो। अब सब जो तो को मिला आज जैसे पश्चिम बंगाल में जब जनजाति आदिवासी की बात होती है तो पूरे सारे आदिवासी एक है, एक परिवार है और एक साथ मिलकर के सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। देश में है तो देश के समस्त क्षेत्रों में आदिवासियों का विकास होना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ अब हम पूरे देश में 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फुल फ्री एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहे हैं, और उसमें यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। भाषा वो अपना ना भूले, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। और जब नई शिक्षा नीति 50 साल के बाद बना तो हमने मंत्री परिषद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब चर्चा किया तो आप नए एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे, विद्वान हमारे डॉक्टर प्रोफेसर नई शिक्षा नीति के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी होगा कि जो भी भाषा, क्योंकि भाषा का विकास एक दिन में नहीं होता है, शब्दों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, कितना समय लगता है, तब एक समुदाय एक भाषा पर आदान प्रदान करता है, संवाद करता है, बातचीत करता है, डायलेक्ट के रूप में करता है, बोली के रूप में करता है, क्योंकि भावनाओं की अभिव्यक्ति कुछ हद तक हम इशारों से कर सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से भावों की अभिव्यक्ति हमारे बातों के माध्यम से ही, शब्दों के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इसलिए मैं इस बात पर अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं, यहां आकर के मुझे कुछ चीजों की जानकारी मिली जिसके कारण बहुत सारे लोग यहां नहीं आ पाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप जो यहां पर हैं, आप इस मसाल को लेकर के चलेंगे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा। हमें अपने संस्कृति पर गर्व है, अपने भाषा पर गर्व है, अपनी जीवन पद्धति पर गर्व है। मैं यहां पर सिर्फ इस बात के लिए भी आपको आह्वान करना चाहूं, क्योंकि हमारा परिचय अभी बोले, हमारा परिचय आदिवासी होने का कैसे है, कैसे हम आदिवासी, क्योंकि उसके मूल तत्व तो क्या है, वो तत्व तो हमसे छूट रहा है कि हमसे जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन
आज ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी करना चाहिए इसका अध्ययन के बल पर। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजों को पाने की खुशी में कुछ चीजों को छोड़ न दें। हम इस तरीके से न करें जिससे कि कल के दिन में हम अपना पांव जमीन पर रख न सके। अड़ी न पाए अड़ी रसिका ऋणा तहे जोक्तो या वो समझौतो को नड़े वो न्यापा में ना भाषा संस्कृति हिसाब से 21 बसर 8 शेड्यूल रे हुयो कना पुरो है ना 20 बसर पुरो ना 21 में स्टार्ट है ना। मैंने यहाँ लिखा हूँ मैं ना परिवार ने गिदर पिदर और मरा है ना नहीं आठा है जुआ ने ना उनका के अब वो नवा हो 8 शेड्यूल रे जुआ ने। अब नए तरीके से पढ़िए नए तरीके से करिए कुछ ऐसा और सबको ये कई भाषाएं हैं इन सारे भाषाओं का सम्मिश्रण करके चीजों को आगे लेकर के क्योंकि ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है इसमें दम है ताकत है शक्ति है उस शक्ति को आगे बढ़ाना। आज भगवान बिरसा मुंडा के धरती से अलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कुटी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान प्रधानमंत्री के नहीं लेना संकल्प यात्रा हिसाब से मीटिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा ते जोतों को जवान को जुड़ी तो अपना जुमी तो अपना जोतों को जवान सांपे दिशों में ना प्रगति तो अबो परिवार में ना प्रगति हिसाब से बुनियाद बात अतु दिशों में जो दे अब अप्रगति हुई तो कह गया दिशों में अप्रगति हुई अब दिशों में तो एकला तो दिशों में प्रगति तो पाए अब गिद्र को पॉल पढ़ा ना अब उड़ा द्वार ठीक तहन मा अब राचा ठीक तहन मा ओत हसा ठीक तहन मा बुरु दरे ठीक तहन मा तो कह गए जहां निशस बहता है होयो हो ठीक तहन तहन जो नेल के हाँ नवा जीवन रगे जे कोरोना लेकान बीमारी ते चल लेका पूरे दिशों दुनिया को बतौर लेना उन्हें तो होयो ते गे उन्हें बीमारी तो बोले कसान आदमी ये सामना से नालम तिंगु ना बगाना मो कोरोना आ उनका बतौर बताया करना मैंने कहा किचो नितों परिस्थिति ठीक हुई करना सावधान पाया होयोते उठान करते बीमारी भीतर बोलो आरोने तो ओढ़ों के बाय ना अरे उसके ऐसे परिस्थितियों के दौर से गुजरते हुए हम सब आज हमारे बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं है काल कल्वित हो गए लेकिन हम हैं सांस है आंस भी है और अब हम सबको अपने पर विश्वास भी है कि हम अपने अपने परिवार के साथ समाज के साथ हम जहां हैं वहीं से क्योंकि यह सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है बल्कि जीता जगता धरती ऐसा धरती जिसे हम मां के रूप में देखते हैं। एक मां पेट के कोख से जन्म देता है और एक मां धरती में हमें संभालता है और धरती से उभर करके जो चीज मिलता है उसी को खा करके हम हमारे अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। अड़ी रसिका रेना कथा जे तहेज अब नोडे वो सेटे रहना माँ आर जस्ती बलिज में ना बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस अभियान में जो एक इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए भूमिका निभाया जो आज नहीं है और जो हमारे सामने उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से सबको समाज के साथ जुड़ना चाहिए सभी
भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए। सभी का सम्मान से ही हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे सम्मान से ही देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, देश का सम्मान जुड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को नोआ कथा मेन कथित निजे कथा लेन मुचुर दमा सनाम को जहा।